नमस्कार सभी मित्रों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में। आज हम एक शेयर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जोमेटो का शेयर पर फिदा हुए म्यूचुअल फंड्स खरीद डाले 11 करोड़ स्टॉक, एक्सपर्ट भी बुलिश है। जुलाई में जोमेटो के शेयरों का अक्यूमुलेट करने के बाद म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की राय अगस्त में स्टॉक पर अलग अलग हो गई। बहरहाल म्यूचुअल फंड ने इस महीने के दौरान कंपनी के 11 करोड़ से ज़्यादा शेयर खरीदे। बता दें कि जोमेटो के शेयरों का लेन देन कराने वाले 20 फंड हाउस में से 12 विक्रेता थे, जबकि बाकी खरीददार रहे। म्यूचुअल फंड ने करीबन 11 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे हैं। इसमें 2 म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे हैं जिन्होंने जोमेटो स्टॉक को थोक में खरीदा है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर 4.80% की तेजी के साथ 65.55 रुपये पर बंद हुए थे। किस फंड ने कितनी की खरीदारी? तो मिराई असेट फंड जोमेटो कंपनी के 9.46 करोड़ शेयर खरीदने वाले सबसे बड़ा खरीदार है। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने अपने पोर्टफोलियो में जोमेटो के 1.18 करोड़ से अधिक शेयर जोड़े। वहीं अन्य बड़े खरीदारों में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड ने भी जोमेटो के शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी की है। यह जानकारी ईस्ट इंडिया सिक्योरिटीज़ द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड ने अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे ब्लू चिप शेयरों में अपनी हिस्सेदारी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मजबूत प्रवाह के बीच कम कर दिया है। जोमेटो शेयर खरीदने की वजह क्या है? तो इन फंड हाउसों ने कंपनी पर दिखाई गई तेजी के पीछे जोमेटो का बेहतर दृष्टिकोण को बताया है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू में तेजी दिखाई है। इसका फूड डिलीवरी कारोबार एबिटा स्तर पर ब्रेक इवन बन गया। मार्केट एनालिस्ट भी अपने ग्राहकों को स्टॉक की सिफारिश कर रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज और जेफरीज शामिल ने हॉल के महीनों में स्टॉक का टारगेट प्राइस भी अपग्रेड किया है। तो आप इस शेयर पर एनालिसिस करके आप इसको खरीद सकते हैं, जोमेटो के शेयर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।